सवाल नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे फिर से आ गया है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पाई आर एल प्लस आर, ये हमको दे रखा है 301 सही 5/7 मीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 1 1 2/7 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये आया कैसे? ये आएगा 301 का हम लोग 7 में गुणा करेंगे प्लस 5/7, यानी कि 301 और 7 इनका गुणा हो जाएगा, जो उत्तर आएगा उसमें हम लोग ये वाला 5 जोड़ देंगे और बटे में 7। तो देखते हैं कितना आता है, 301 गुणा 7 आता है 2107 प्लस 5/7, ये आ जाएगा 2112/7। तो ये हमको दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 2 1 1 2/7 मीटर स्क्वायर हमको सवाल में दे रखा है। अब हमसे सवाल कहता है कि आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, यानी कि जो हमें आर दे रखा है वो हमको दे रखा है 6 मीटर। आधार की त्रिज्या 6 मीटर हमको दे रखी है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सीधे, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, ये हमको दे रखा है 2112/7। पाई की जगह हम लोग रखेंगे 22/7, आर हमको दे रखा है सवाल में 6, एल हमें अभी पता नहीं है, आर की जगह रखेंगे 6/2112/7। अब हमें इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस एल की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस 7 से ये वाला 7 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 22 × 6 एल प्लस 6/2112। तो 6 एल प्लस 6/2112/22, एल प्लस 6/2112/22 × 6, एल प्लस 6/, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2112/22 × 6, तो ये आएगा हमारे पास 16। एल बराबर 16 − 6, एल बराबर 10 मीटर, हमारे पास जो एल आएगा वो 10 मीटर आ जाएगा, एल यानी कि तिरछी ऊंचाई हमने 10 मीटर निकाल ली है। अब हमें ऊंचाई पूछी है शंकु की, यानी कि ये वाली ऊंचाई पूछी है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, वो भी हम लगा के देख लेंगे। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में। एच बराबर एल हमने अभी 10 निकाला है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, आर हमें सवाल में दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 अंडर रूट में, तो एच बराबर 100 में से 36 जाता है तो बचता है 64, तो एच बराबर अंडर रूट में 64 होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 × 8, तो एच बराबर 8 मीटर, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा।